जैसा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फायर इमरजेंसी, डिजास्टर इमरजेंसी, किसी इंसान या जानवर का गहराई के अंदर गिर जाना, पानी के अंदर गिर जाना, ऊंचाई से नीचे गिर जाना और मेडिकल की बहुत सारी इमरजेंसी रोनुमा होती है। लेकिन पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग दो बड़ी इमरजेंसियों की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जिसकी पहली बड़ी वजह है कार्डिक अरेस्ट, दिल की धड़कन का अचानक से बंद हो जाना, जिसको हम आम लफ्ज़ों में हार्ट अटैक आना भी कहते हैं। और दूसरी इसकी बड़ी वजह है अनकंट्रोल ब्लीडिंग, किसी भी हादसे की सूरत में बहुत ज़्यादा खून बह जाने से इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। अगर हम सीना दबाने का अमल, जिसको चेस्ट कंप्रेशन CPR करना कहते हैं, वो सीख लें तो यकीनन हम कीमती जान को आसानी से बचा सकते हैं। और इसी तरह किसी ट्रैफिक हादसे में या किसी भी हादसे की सूरत में बहुत ज़्यादा बहने वाले खून को रोकने का तरीका सीख लें तो यकीनन हम कीमती जान को आसानी से बचा सकते हैं। आज की जो ट्रेनिंग है उसके बाद मरीज़ की उम्र तकरीबन मैं बता दें कि 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 70 साल है, जितनी भी उसकी उम्र होगी तकरीबन मैं बता दें। उसके बाद है जी चीफ कंप्लेंट कि मरीज़ को मसला क्या है, उसको इलेक्ट्रिक करंट लग गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, उसका हर कितने किलो बंद हो चुका है, उसको सांस का मसला है, उसको कोई भी जो मसला होगा वो बता देंगे। उसके बाद जी स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या मरीज होश में है या नहीं, और आखिर पर है स्टेटस ऑफ ब्रीथिंग, क्या मरीज सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो अमूमन लोग हमें जो कॉलें करते हैं वो अपना ही तारफ करवाते रहते हैं। अभी रिसेंटली पीर मल से एक जो वकील साहब हैं वो कॉल कर रहे हैं रेस्क्यू पे, तो बताए जा रहे हैं कि जी मैं रेस्क्यू से जो है फलाना एडवोकेट बात कर रहा हूँ, मेरा फलाने जगह पे दफ्तर है, वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। तो जब भी रेस्क्यू पे कॉल करनी है इस पैटर्न के मुताबिक जो है वो मालूमात आपने फ्राहम करनी है। अगर आप नहीं बताएंगे तो नुमाइंदा यही सवाल आपसे बार बार पूछेगा, ठीक है जी। इसका बताने का मकसद ये है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा मालूमात दे के आपने अपने वक्त को भी बचाना है और नुमाइंदा के वक्त को भी बचाना है। क्लियर है यहाँ तक? आप में से कोई एक बंदा जो फर्जी कॉल करके दिखा दे इस पैटर्न के मुताबिक, कौन करेगा जी कॉल? जो कहता जी मुझे तब मरीज के पास जाएं, उसको हमवार सतह पे बिल्कुल ज़मीन पे सीधा लिटा, सीधा लिटाने के बाद उसके शोल्डर को टैप करें, कंधों पे थपकी दें या पकड़ के हिलाएं और उससे पूछें कि आप ठीक हैं। पंजाबी में पूछ लें, उर्दू में पूछ लें, इंग्लिश में पूछ लें, उससे रिस्पॉन्स लेना, उसका रद्द अमल लेना है कि वो जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर जवाब नहीं देता तो फौरन रेस्क्यू 112 को मदद के लिए कॉल कर दें, जो आपको पैटर्न बताया गया उस पैटर्न के मुताबिक करने के बाद अपना कान जो है मरीज की नाक के पास लेकर जाएं, सुने क्या वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, और उसकी छाती की तरफ देखें क्या उसका उतार चढ़ाव हो रहा है या नहीं हो रहा।
ये लास्ट में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, करके दिखाएंगे कि CPR कैसे होता है। अगर आपको उसकी सांसें ना मिले तो फौरन अपने हाथों की पोजीशन बनाते हुए उसके छाती को दबाना शुरू कर दें। कहते जी छाती को एक मिनट में 100 से 120 मरतबा दबाना है। इसकी गहराई 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आते हैं हम हाथों की पोजीशन कैसे बनाते हैं। तो मैं भी बनाऊंगा, आपने मेरे साथ बनानी है। तो अगर पोजीशन ठीक बन जाए कंप्रेशन ऑटोमेटिकली बेहतर आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि जी अपना पावर हैंड लेना है, अपने पावर हैंड जिससे आप लिखते हैं काम करते हैं। अपना पावर हैंड लिया, दूसरे हाथ के ऊपर रखते हुए उंगलियां बंद और बाजू बिल्कुल सीधे। चलें सारे लोग मेरे साथ मिलकर बनाएंगे। पावर हैंड लिया, लेंगे सारे पावर हैंड नहीं आप कर ले, तजर्बा कर ले, जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मैं कहता हूँ काम आ जाएगा। ये इमरजेंसी हमारे घर में हमारे प्यारों के साथ भी हो सकती है, उस वक्त हम सिर्फ अफसोस करेंगे। इनमें से 2 लोगों की उम्र स्टार्ट जो थी वो डेथ हो गई थी। वो किस वजह से हुई थी? अनकंट्रोल ब्लीडिंग की वजह से। जितना भी हमारा पढ़ा लिखा माशरा है, एजुकेशन है, बट अवेयरनेस नहीं है कि एक बहने वाले खून को हमने कैसे रुकना है, उस बंदे की हमने कैसे कीमती जान को बचाना है। तो कहते हैं ये ऐसी सूरत में क्या करना है, अपने दाएँ बाएँ देख के जब भी रोड को क्रॉस करना है अपने दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे देख के रोड को क्रॉस करें। क्रॉस करने के बाद मरीज के करीब जाएं। अगर मरीज होश की हालत में नहीं है तो उसका रिस्पांस है, अगर वो रिस्पांस है तो ठीक है। उसके बाद अपने हाथों को महफूज करते हुए शॉपर बैग से, ग्लव से या किसी भी साफ कपड़े के साथ अपने हाथों को महफूज करें। करने के बाद कोई भी साफ कपड़ा लें और उसके जिस्म पे रख के डायरेक्ट कंप्रेस करते हुए 10 मिनट के लिए उसके खून को रोक दें। इतने टाइम में जो मदद है वो आपके पास पहुँच जाएगी, आप उनके हैंड ओवर करके फ्री। इसमें साइंस कहती है कि अगर जिस्म में से एक जो पाकिस्तान में एक अडल्ट है उसके जो है जिस्म में 5 से 6 लीटर खून है, अगर 1 लीटर खून बह जाए तो इंसान सदमे में चला जाता है, और अगर 2 लीटर खून बह जाए या 2 लीटर से ज़्यादा बह जाए तो कन्फर्म डेथ हो जाती है। तो हमने क्या करना है, अपने हाथों को महफूज करते हुए उसके जिस्म में बराह रास्त साफ कपड़ा रखते हुए उसके खून को रोकना है ताकि ज़्यादा खून ना बहे और वो खतरे की जानब ना जाए, वो मौत की जानब ना जाए। समझ आ गया जी? कोई भी हादसा हो सकता है जिसमें गोली भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई नकीली चीज़ भी लग ससकती है, कोई भी साफ कपड़ा लेके डायरेक्ट कंप्रेस करके बस उसके खून को रोक देना है। आगे डॉक्टर्स का काम या हमारा काम किसको क्या करना है। यहाँ तक क्लियर है? अभी आपको ये 2 मिनट का हथेली का ये वाला जो हिस्सा है हम यहाँ पे रख के उसको कंप्रेशन दें। वो कहते जी अपने आप को महफूज करते हुए आप मरीज के करीब गए, उसको शोल्डर से टैप किया, पूछा कि आप ठीक हैं, कोई जवाब नहीं दिया, फौरन मदद के लिए कॉल कर दें। अगर आपको कोई साथी दोस्त कोई आपका साथ है तो उसको कॉल करने का बोल दें। और आप क्या करेंगे, अपना जो कान है वो मरीज़ की नाक के पास लेके जाएंगे ऐसे, और उसके सीने की तरफ देखेंगे क्या वो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं मिलता फौरन या स्टर्नम लाइन या निप्पल लाइन, और हाथों की जो पोजिशन बनाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बाजू बिल्कुल सीधे उसको जो है वो कंप्रेस करना शुरू कर दें।
बड़ी खुशी ये है, मैं मोहम्मद आसिफ साहब और वसीम साहब का तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दोनों जी नवी रिसर्च की हर यूनिवर्सिटी ने अपने साइंसदानों ने उन्होंने कहा कि जी अगर तुम इनू 100 दफ़ा कंप्रेस कर दियो उन्होंने साह भी मिलेगा और दिल में भी मसनू तरीके अपना बहाल कर हुंदा की है कि जो दिल रुकता है सारी सर्कुलेशन जिसम से रुक जाती है। हमारे जिन्हें भी अपने मेजर ऑर्गन्स ने दिल ने फेफड़े जिगर गुर्दे उन्होंने प्रॉपरली ऑक्सीजन से ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है। हुंदा की अपने दिमाग में जो ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता 6 मिनट तो बाद ये ब्रेन सेल डैमेज होना शुरू हो जाए। 6 मिनट तो बाद यह डैमेज हो गए तो बंदा कभी वापस नहीं आया। और अक्सर रिपोर्ट भी साढ़े नाल आया सी लालियां तक असि सेफ्टी सैमिनार करते रहे सेफ्टी के हवाले नाल सब वड्डी गल ते है कि सेफ्टी इन माई हैंड सेफ्टी मेरे अपने हाथ में मैं अपनी हिफाजत आप करनी है। शॉर्टेज भी है सानू भी पता है स्टाफ की शॉर्टेज है गड्डियां नहीं मिलदियां पौड़ियां नहीं पहुंचदियां ये महदूद वसैल के अंदर लाते हुए असी अपनी जान की हिफाजत एक खंबे का काम कर रहे हो तो दोनों साइडा तो अर्थ किया है तो वह दरम्यानी जी जगह है ना अर्थ के दरम्यान वाली जगह वह तुहाडे वास्ते महफूज तरीन जगह है उत्थे तुसीं आसानी नाल काम कर सकते हो तुहानूं कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। लेकिन अज का साडा इकट्ठ जिहड़ा है और साडे ते आण दी वजह भाई शुआब जिहड़ा है रिटायर हो रहे ने उहदी वजह तुसीं इत्थे आए हां और ट्रिपल ट्रिपल ड्यूटी भी करदे आ साडे कोल सिटी दे विच इन्ना पैड़ा हालात आ ठीक है टीम वतिल सिलअल्लहुम यतफक्करून ਸਰਕਾਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ जो महफिल बनी है आज उसका मेन जो मकसद था एक तो आप लोगों को सेफ्टी के मुतल्लिक आगाही था और उससे बड़ा एक मेन मकसद था हमारा एक अशफाक लाइन में रिटायर हुआ है उसके लिए ये महफिल सारी सजाई गई है। वो हमारा एक बहुत बड़ा एक वर्कर लाइन में हमारे अपने हमारे हिस्से से जुदा हो रहा है उसके लिए हमने एक सेफ्टी सेमिनार भी मुनक़द किया सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे किए मोहतरम हमारे सिया साहब अफजल काठिया साहब भी स्पेशल इसलिए आए हैं ना तो ये साथ साथ वो उन्होंने भी बड़े खुशी का इजहार किया कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से अलविदा करें उन्होंने मुझे ये डायरेक्शन दी थी कि अच्छा प्रोग्राम करें अच्छे तरीके से उनको अलविदा करके भेजें तो बेसिक मकसद हमारा जो आज का इकट्ठा था वो इसको हमने अलविदा करना है। सबसे पहले तो अच्छे माजरत मैं लेट हो गया काफ़ी कोशिश की दो तीन दफा निकल नहीं लेकिन कंज्यूमर का रश से इसलिए वो गेट तो वापस जाना फिर चले गया बैठ के उनका भी वेट करना पे माजरत लेकिन वो नाल नाल ना एक सेफ्टी का एक लैसन भी सानू मिले मैं अज जो निकल रहा ना एक सेफ्टी सैमीनार लैक्चर देने वास्ते तो जो ही मेरी गड्डी असी अपने ऑफिस बाहर आई है ना तो असी देखा एक बंदा उन्हें मोटरसाइकिल से ना मीटर लोड किए और अगली साइड पिछली साइड से सारे साढ़े दफ्तर इंटर हो तो बाद पता लगे कि वो एक इलैक्ट्रीशियन से उसके मैं पहले भी एफ आई आर कराई से जो मैं आया वो बंदा इस तरह के मीटर लैते यूज कर रहा है अज उस बंद सेम वही प्रैक्टिस देखी है बड़ा दुख होया असं तुम ये चीज़ा बड़ी बार बार कह रहे हैं ठीक है
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਬ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਨ ਮੈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਇਰ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਏ ਐਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਕਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸ ਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਲਬ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਸਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ 10-15 ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੇ ਚੰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਡਮੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਰਕਰ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਆਨਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੈਪ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੀ ਜਸਾਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਮ ਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਐਜ ਏ ਏ ਲੈਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਜਸਾਮਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਸਨ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨੂਰ ਹਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ, ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ
परमिट ले लें दे, वो सारा कुछ कर लें दे, और उन उसी अगर अर्थ नहीं कर दे, वो दिन नहीं कर ले तो फिर थोड़े वो और अर्थ भी दोनों साइडा दे ठीक है ना। मैं जो भी तुम मेरे को परमिट मंगते हो ना, देखो ना हम असं तुम जो परमिट वाली पोजिशन है ठीक है, ये असी बड़ी आसान कर दी है ठीक है। लेकिन मैनू अजे भी ना इस चीज से मैं मुतमिन नहीं है कि मैं आसान कर दी है, मैं कहना भी मैं आसान कर दी है, लेकिन अजे प्रैक्टिकली इस चीज का जड़ा है वो देख नहीं रहा कि वाकई आसान हो गई है। मैं अजे भी समझना कि अजे भी काम मुश्किल है ठीक है। उसकी वजह है कि अगले दिन दो मिनट जरा तवज्जो रखना, कुछ नहीं है, गिफ्ट ने अशफाक देने ने, असं इंशाल्लाह दो मिनट तो बाद खत्म हो जाएगी ठीक है। अच्छा वो मैं अगले दिन दस रहा जी कि अगले लैंडमैन है नसीब ठीक है ना, ओनू एक असं काम किया कंप्यूटर का, मैं काम करना तो यह मैं दसदा कि मैं सुबह तो शाम तक बैठा रहा, मैं परमिट नहीं मिलया, मैं बुला तो फिर इनकुआरी की लैंड सुपरिटेंडेंट साहब की, तो लैंड सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मैंने जनाब एक दफा इन्हें गल की, उस तो बाद मैं चला गया, उस तो बाद फिर पता नहीं की होया, मैं कहना इन कुछ नहीं किया, और मैंने कंज्यूमर दसिया कि सारा दिन उसे मेरे डेरे से बैठा रहा ठीक है ना। साड़ी सिचुएशन इस तरह की है, पहले स्टाफ नहीं है, फिर असं अपने बंद अगर इतनी देर रिजर्व करना या किसी एक चीज ली करना है तो फिर बड़े दुख वाली गल है। फिर इन्होंने लोगों को मैं उस दिन देखा कम नहीं लै रहा ठीक है, फिटर की मेंटेनेंस का कम असं सोच लिया या डिसाइड कर लिया कि थोड़े को नहीं लेना, थोड़े को सारे फिटर की असं आउटसोर्स करवा देनी है, तो फिर किसी प्राइवेट बंद कोई राइट नहीं बनता कि वो आते किसी जगह पर काम करें ठीक है। किसी बंद अलाउ नहीं करना, अगर एस बी समान सारे रिक्वेस्ट करा कि अगर कोई तुम इलेक्ट्रीशियन इस तरह का नजर आ जाए तो फौरन उस एफ आई आर कराओ ठीक है ना, उस बंद अरेस्ट कराओ, एक इस तरह के कोई सूडे सिस्टम से कोई बंदा इस तरह काम नहीं कर सकता ठीक है ना। इस चीज से बहुत ज्यादा सख्ती करो, इस चीज से कोई इजाजत नहीं है कि कोई बंदा आते साढ़े सिस्टम से काम करे ठीक है। शॉर्टेज का मतलब गलत लै रहे हैं ये जो लैंड सुपरिटेंडेंट आए हैं, मैं तो मेरी गल सुन रहे होंगे, मैं मिसयूज कर रहे हैं, हम शॉर्टेज का बहाना बना दे बिल्कुल कोई अलाउ नहीं है, इन्हों बिल्कुल नहीं किसी बंद कोई बंद प्राइवेटली कितने मैं कोई ना सुना, जो थोड़ा असं काम काफी घटा दिता है हर चीज है और चलाते रहे ठीक है। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਿਟਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਟਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੋਂ ਚੋਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਡਮੈਨ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਡਰ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मशहूर है तमाम अफसर और एक्सचेंज साहब और एस डी ओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और यूनियन अहदेदारों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया और तमाम लेबर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए और अगर मुझसे कोई लेबर के खिलाफ गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरे लिए दुआ करना आइंदा ज़िंदगी के लिए आइंदा मेरी ज़िंदगी बेहतर हो। और दूसरा ये है कि अदारे जो हैं ये हमारी अल्लाह की अमानत है हमारे पास, इनके हिफाजत करनी है। मैंने सारी ज़िंदगी एक्शन काशिय साहब को पता है, इन्हें फरूख साहब मेरे साथ रहे हैं, बहुत मेहनत की है बैठने के लिए और अल्लाह ने मुझे इसीलिए इज्जत दी है, मुझे बेहतर तरीके से रिटायर किया है। आज से जब जनाब मौलाना मोहम्मद मुबारक ربنا علي مقيم الصلاة من جود النبي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولقومنا يوم يقوم الحساب يا
पाकिस्तान।